हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हृदय जवान। आज आप लोगों के साथ कुछ रनिंग के टैक्टिक्स के बारे में हम लोगों के साथ बताने जाएंगे। तो इसमें आप लोगों के साथ सभी का डर पैदा रहता है, जो कि हम 5 किलोमीटर रनिंग को कैसे क्वालिफाइड करें। तो इसी के भाई आप लोग चिंता मत करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहेगा और थोड़ा कुछ टिप्स हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिएगा, ये एट फर्स्ट स्टेप बाई स्टेप 4 स्टेप हैं, इसमें आप लोगों के साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कोई रनिंग करने जाने से पहले, स्टार्ट होने से पहले वार्म अप हो जाएगी। इसमें वार्म अप में जो जिसको कंफर्टेबल होता है वो उसी हिसाब से कंफर्टेबल जैसे देखिएगा स्किपिंग कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेस के लिए जैसे लेफ्ट एंड राइट दोनों पैर को अपना जरूरत के मुताबिक खुल के, उसके बाद लेफ्ट साइड बैठ के फिर आबार लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड में एक ट्रिक्स करते, उसके बाद अप एंड डाउन नी का, उसके बाद थोड़ा साइड जंप, इसी टाइप का थोड़ा वार्म अप हो जाइएगा। वार्म अप हो जाने के बाद आप लोग शुरू, क्यों ना हम लोग जैसे ही रनिंग शुरू कर देते हमारा शरीर बॉडी गर्म नहीं होता है, और तो हम लोग को वो मसल काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को वार्म अप होने के जरूरी है। उसके बाद वार्म अप के बाद आप लोग चलेंगे ये सांस लेने के तरीके। देखिएगा 5 किलोमीटर रनिंग इतना मामूली बात नहीं, इस चीज़ के आप लोग प्रैक्टिस से नहीं कर पाओगे तो आप लोग कर नहीं पाओगे। और इसके साथ देखिए क्या सांस लेने के तरीके, इसके ऐसे जैसे ही आप लोग स्टार्टिंग में शुरू करते उसमें देखिएगा आपको नाक से सांस लेते हैं, नाक से छोड़ना है। ये हम लोगों रनिंग में पर्याप्त में ऑक्सीजन लगते हैं, तो नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। उसके बाद काफ़ी टाइम चलने के बाद आपको थोड़ा अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम मतलब क्या, आपको सांस फूल जाने की कोशिश, तो उस टाइम क्या करिएगा नाक से लीजिएगा और मुंह से छोड़िएगा। ये उसके बाद एक टाइम और टायर्ड हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे आप लोग मुख से लीजिएगा सांस, उसके बाद नाक से छोड़िएगा। लेकिन ये देखिए 5 किलोमीटर रनिंग ये जो पोजीशन है, 4 किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद मुख से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना, इसके बाद आप लोग इसी को कवर। ये एक फार्मूला आप लोग अपना के देखिएगा। उसके साथ पैर का पोजीशन, पैर का देखिएगा हम लोग जो मेरे को भी डाउट था, सभी को बोल रहा था पंजा में दौड़ना है, जो कि ये पंजा में, लेकिन देखिए जैसे हम लोग 100 मीटर 200 मीटर जो स्प्लिंटर रनिंग होते हैं उस टाइम पंजा के ऊपर दौड़ना, क्यों वो कम से कम टाइम में कवर करना पड़ता है 100 मीटर वो स्प्लिंटर, इसलिए उस टाइम हम लोग को वो पंजा के ऊपर पूरा फ्लैट डाकने से ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पंजा के ऊपर दौड़ के देखकर जा सकते हैं। लेकिन आप लोग को 5 किलोमीटर रनिंग करा और ये पंजा के ऊपर ज़्यादा थक जाएंगे, इसलिए आप लोगों को फ्लैट पैर रख लीजिएगा। फ्लैट पैर रखने के आप आराम से आपका शरीर का वजन पूरा शरीर पैर के पूरा फैल के जाएगा, आपको उतना थकावट नहीं आएगा। ये एक उसके साथ आप लोगों को एक चीज़, आपको शरीर को 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सामने झुका रखिएगा। झुका रहने से क्या होता है, हमारा बॉडी सामने गिरने के डर से हमारा पैर चलने शुरू कर देते हैं। तो ये एक बॉडी का पोर्शन आप लोग कम से कम 15 से 20 डिग्री थोड़ा सामने झुका रखिएगा। ये है उसके साथ आप लोगों को एक जूता देखिए कि आप लोग जो चॉइस करिएगा वो जूता थोड़ा
अपना पैर के माप से थोड़ा सा बढ़ के, क्यों ना ज़्यादा टाइट होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए अब लोगों को ये कैप्टन माइंड में रखिएगा। उसके साथ अब लोगों के साथ और एक चीज़ डिस्कस करेंगे, जो इसके साथ आप लोगों के साथ हम लोग में प्रॉपरली जो रैंडम बोलने से चाहता हूँ, लेकिन पॉइंट पॉइंट वाइज हम लोग बोल नहीं पाता हूँ। देखिएगा उसके साथ, देखिएगा और इसके लिए आप लोगों को डाइट, एक डाइट एक बहुत बढ़िया मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों ना रनिंग में मेहनत होता है। तो इसीलिए आप लोगों को कोशिश करिएगा, जैसे कि चना, चना में इसमें प्रोटीन बहुत होता है, प्रोटीन चना भिगा हुआ चना 50 से 100 ग्राम डेली बेसिस में। उसके साथ ये ग्रीन होता, क्या बोलते हैं, मूंग भी 50 ग्राम सुबह खाने से। उसके साथ खसखस, जिसका खस जल्दी जल्दी सांस फूल जाता है, वो खसखस कोई किराना के दुकान में बताएगा, खसखस जो दूध के साथ खाने से उसका भी सांस फूलता नहीं है बोलते। उसके साथ देखिएगा अनार का जूस, अनार का जूस आपको ब्लड को सर्कुलेशन का फिट रखते हैं, तो वीकली कम से कम एक गिलास अनार का जूस लीजिएगा। उसके साथ आप लोगों ये केला पुन रखिएगा, और उसके साथ साथ अंडा ये थोड़ा देखिएगा, एक टेस्ट कंप्लीट कर दें। और ये आपको भूख नहीं लगता है केला, और उसके साथ आपको डेली बेसिस में एक चम्मच हनी, हनी का आदत डालिएगा, क्यों नहीं, इसमें पर्याप्त तो कैलोरी रहते हैं जो कि हम लोग थकने नहीं देगा। तो ये सब चीज़ कम से कम ये आप लोगों को ये डेली बेसिस करने से, ये आप लोगों को जो स्पोर्ट्समैन है उसको देखिए, हम आप लोग 5 किलोमीटर ये ऐसे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। हम लोग 16 किलोमीटर रनिंग कैसे कवर कर देते पता नहीं चलता है, तो इसी हिसाब से आप लोगों को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए ये फॉलो करिएगा। इतना ही है, और ये 5 किलोमीटर रनिंग लेके घबराने के नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जैसे रनिंग ख़त्म हो जाते हैं वो भी तुरंत, एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तुरंत बैठना नहीं है, मूवमेंट करते रहना। उसके साथ पानी भी नहीं पीना, तुरंत पानी भी नहीं पीना, और उसके साथ थोड़ा स्ट्रेचिंग वाला, चाहे साइड जंप हो, चाहे नियाप, तब रोचे के जो कि दोनों एक नियाप करके एक नी के अंदर से क्लबिंग, ये ऐसे टाइप का मूवमेंट करते रहिए, छोटा छोटा जोकिंग, जो ना बैठना नहीं है। उसके साथ आप लोगों को एक चीज़, रनिंग के टाइम आप लोगों को मुंह में किसी के मुंह गला सूख जाता है, उसके लिए आप लोगों को चाहे चुनगम ले सकते हो, किसी को देखो एक चूरा जो आमलोकी के टुकड़ा मुंह में रख देने से आपको गला सूखने नहीं देगा। ये सब प्रैक्टिस आप लोगों को अपनाइएगा, और आप लोगों को कैसे पता नहीं चलेगा, और थोड़ा एक दिन में ये 5 किलोमीटर नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेगा, और 5 किलोमीटर रनिंग मान लो अब 5 किलोमीटर नहीं, आपको प्रैक्टिस रहना 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आपको उसके करते ज़्यादा करा के, उसके बाद आस्ते आस्ते आपको टाइम देखिएगा। आप पहले एक दिन में नहीं होता, पहले दिन जाइए उसका टाइमिंग नोट करिए, दूसरे दिन इसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेगा। अभी काफ़ी टाइम है SSGT 2024 के लिए, तो पहले तो एग्जाम होगा, उसके बाद ये प्रोसेस करते करते अभी काफ़ी टाइम है आप लोगों को। अरे ऐसे टाइप के आपको शरीर को फिट रहेगा, और इतना ही है, चाहे कोई क्रॉस ये टैक्टिक्स ऐसे है, चाहे रनिंग में
जो कोई एथलेटिक्स रनिंग करते हैं, पर्सनल रनिंग, ये भी टैक्टिक्स, यही टैक्टिक्स अपनाता है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो। ओके, बेस्ट आप लोग, आज घबराने का जरूर नहीं, आप लोग क्वालिफाइड होंगे। ये टैक्टिक्स आप लोगों को थोड़ा अपनाएगा और डाइट फॉलो करिएगा, ट्रेसिंग करते रहेगा, स्किपिंग थोड़ा अगर आप लोगों को स्किपिंग का एक मिल के स्किपिंग करते रहेगा अगर जान ये नहीं, तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा सुबह शाम थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को पता नहीं चलेगा आपको 5 किलोमीटर, उसके बाद आइए दस आने के बाद 16 किलोमीटर रनिंग, तो आप लोग ऐसे ही हम लोग करते थे। ओके, बी हैप्पी, कीप हैप्पी, और मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, टेंशन मत ले, हो जाएगा।